उस वक्त ये बात हो सकती है, नबुव्वत का दावा उस वक्त हो सकता है। अब तो 1450 साल हो गए, हर जमाने में किया है लोगों ने नबुव्वत का दावा, और आज भी अपने करीब में ज्यादा दूर नहीं 100-125 किलोमीटर के बाद में एक आदमी नबुव्वत का दावा करके बैठा हुआ है। हाँ, अपनी हिफाजत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझ में आई ना? हमारा वक्त लगा 2001 में, 2003 में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, बल्लारशाह, आज भी आप जाके देखो वहां के पहाड़ों में इनकी दावत चल रही है, इनकी दावत चल रही है। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा को नबी मानते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए हमारे ईमान का जुज है, हम इस बात पर पक्के रहे, हम मान ही नहीं सकते किसी को नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, हम तस्लीम कर ही नहीं सकते, चाहे गर्दन उड़ा दो हमारी, हम तैयार। लेकिन हमारा नारा, हमारा कलिमा और हमारे बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, तो आप दावत का काम कौन करेगा? लिहाजा दावत के काम की जिम्मेदारी अल्लाह ने उम्मत को अता फरमाई। इतनी बड़ी नेमत है, नबियों वाला काम, खातमुन नबीयीन वाला काम। अल्लाह हम जैसे टुटपुंजिए लोगों को दे रहा है, ना समझ लोगों को दे रहा है, नादान लोगों को दे रहा है, हालांकि इस लायक हम फिर वही नहीं है, ही नहीं। वहां से कहीं से कहीं तक भी हमारे घोड़े को यह काम लग ही नहीं सकता। हम तो वो है कि अगर किसी काम को करने जाए तो उसको बिगाड़ दे, क्या करे? ले लो तुम किसी भी शोरूम से बेहतरीन घड़ी ले लो, 3-3.5-4 हजार की, उसकी सीढ़ियों से नीचे उतरो और उतरने के बाद फिर जाकर बोलो नहीं होना वापस ले लो, ले लेगा वो? अरे बोलो तो सही नहीं। क्या तुमने स्कूल पर ड्राइवर लगाया था उसको? नहीं। क्या जमीन पर पटका था? अरे चूंकि तुम तो हाथ में है, अरे भाई ले लेना वापस? नहीं लेता। क्यों? तुम्हारा हाथ लग गया उसको, तुम काउंटर से सरक गए। हम तो वो है कि जिसको हाथ लगाए वो हमसे खराब हो जाए, बिगड़ जाए, दावत के काम को हम क्या करेंगे? ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह अपने फजल से हमें बोलो तो सही चला रहा है। हाँ, बस डरते डरते करना है और करते करते डरना है और करते करते अल्लाह से मांगना है, मरते मरते भी करना है। तय करो कि इंशाअल्लाह इसी काम को करेंगे। क्या कमजोर इंशाअल्लाह बोलो। ऐसा लगता कई दिनों से तुमने खाना ही नहीं खाया। अरे करेंगे इंशाअल्लाह, आप तो ताकत से बोले माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इस काम को करने का मकसद और मतलब ये है कि बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, खेती नहीं छोड़ना है, भैंस बैल बकरिया मुर्गिया तितलिया इनको नहीं छोड़ना है, औलाद को नहीं छोड़ना है, सबके साथ पहले नंबर पर दावत के काम को रखना है। पहले नंबर पर वो अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुम वो यंसुरुकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी हमने दावत के काम को तो सरसरी तौर पर किया है, समझा नहीं। जिस दिन हम दावत के काम को समझ जाएंगे ना, फिर हमारी बिगड़ी बन जाएगी। हम अभी नहीं समझा, इसलिए अभी बिगड़ी बिगड़ी ही है, अभी बिगड़ी बिगड़ी बनी नहीं है। हम बनाना भी नहीं चाहते, अगर बनाना चाहते तो आदमी बार बार कुर्बानी दे, जाहिर नहीं करेगा अल्लाह, बर्बादी नहीं करेगा अल्लाह। कितनों को बर्बाद किया, सबसे पहले जमीन पर कुर्बानी देने वाले नबियों के अलावा हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। आप बताओ
कितने सहाबा कि अल्लाह ने दुनिया बिगाड़ी है, बताओ किसी भी सहाबी की दुनिया बिगाड़ी हो बताओ, उनकी जिंदगी का मकसद था, हाँ उनकी जिंदगी का मकसद था कि अल्लाह का दीन दुनिया में सरफराज हो, अल्लाह का दीन दुनिया में बुलंद हो, अल्लाह का दीन दुनिया में फैले। दावत के काम का मकसद क्या है? दावत के काम का मकसद अपनी कालत टाइप करना थोड़ी है, दावत के काम का मकसद शोहरत थोड़ी है, दावत के काम का मकसद नामो नमो थोड़ी है, गलत है, ये सब शैतान के हथकंडे है। दावत के काम का मकसद तो ये है कि जमीन पर कोई अल्लाह का नाफरमान बाकी न रहे, ताकि वो जहन्नम की दहकती हुई आग से बच जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कुड़म थी। आपके बारे में दो जुमले मिलते, दाइमुल फिक्र मिलता है, एक तो मिलता है दाइमुल फिक्र और दूसरा मिलता है मुतवासिरुल अहजान। दो जुमले मिलते आपके बारे में, दाइमुल फिक्र का मतलब ये है हमेशा फिक्रमंद रहते थे, या रब्बी उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। उम्मत से मुराद सिर्फ ईमान वाले नहीं है, और हमें भी अपने दिल में ये नीयत रखनी चाहिए, अल्लाह पाक मुझे पूरे आलम में लेकर चल, मेरे रिश्क को पूरे आलम में बिखेर दे, ताकि मैं तेरे दीन के काम को लेकर पूरे आलम में चलूं फिरूं और जमीन पर तेरा कोई नाफरमान बाकी न रहे, ताकि वो जहन्नम की दहकती हुई आग से बच जाए। दायमुल फिक्र आपकी हमेशा फिक्र रहती, ये फिक्र कोई फिक्र नहीं है, अपने रोटी मोटी की फिक्र है, ये कोई फिक्र है, अपने बाल बच्चों की फिक्र, अपने ढोर डंगरों की फिक्र, अपनी दुकान की फिक्र, अपने घर की फिक्र, अपने बगीचे की फिक्र है, ये कोई फिक्र है? फिक्र तो हमारी, हमारे मौला की फिक्र हो, हमारे आका की फिक्र हो, हमारे नबी की फिक्र हो, हमारे रसूल की फिक्र हो, जो उनकी फिक्र वो मेरी फिक्र। अरे आज से लेते इंशाअल्लाह तुम गीला लगता है कि तुमने खाने में गायब हो गया, चलो शाम में सुबह की कसर पूरी कर लेना। पहली चीज दायमुल फिक्र, हमेशा फिक्रमंद रहते थे। दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो जुमले मिलते हैं वो मुतवासिरुल अहजान, हमेशा गमगीन रहते, क्या रहते, हमेशा गमगीन रहते, के बारे में दीन के बारे में हमेशा गमगीन रहते। बताओ हमें से हरेक ये दोनों सिफतें हरेक के अंदर होनी चाहिए। हाँ नहीं दिन में तो कम से कम इस तरह पर लेटते वक्त को थोड़ा सा सर झुका के आदमी उम्मत की फिक्र कर ले, उम्मत का गम अपने दिल के अंदर पैदा कर ले। मेरे दोस्तों दावत का काम बड़ा अजीब काम है, बड़ा अजीब काम, लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता। जब आदमी बार 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 अल्लाह के रास्ते में निकलता तो फिर कुछ समझ में आता है, समझ में आएगा। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं इस काम के सौवे हिस्से को समझा, कितने हिस्से, सौ का मतलब सौ में से एक, सौ में से एक, और जो मैं समझा उसका सबका हिस्सा तुमको नहीं समझा सका। रामगर्दन तालर टाइप करके मैं तबलीग वाला, हम क्या समझे, गो बहुत समझता हमको, वो क्या समझता, अपने जुमले ऐसी रहते, अपने जुमले ऐसी रहते नहीं मेरे दोस्तों। ये काम समझ में आएगा, जरूर जरूर समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, बार बार खुरूज, बार बार अल्लाह के रास्ते में निकलना। और ये काम तंजीम नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई जमात नहीं है, इस काम में तो सारे के सारे दीन के जितने
दीन के जितने शोबे हैं वो सब दाखिल है, सब दाखिल है। इस काम में आप चलते रहोगे तो ये काम मदरसा भी है, समझ नहीं ना, आप चलते रहोगे तो ये काम खानका भी है। हाँ, जहाँ तस्किया होता है, जिक्र सुलूक जहाँ होता है, सब है। इस काम में सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, सब मिलेगा। लेकिन चलना शर्त है। कैसा चलेंगे, कैसा चलेंगे, जैसे के बड़ों ने मिसाल दी, हाँ, तांगा देखा है, ये नई नई नस्ल के बच्चे ने तो क्या देखा होगा बेचारों ने। तांगा होता था पहले जमाने में, तांगा अभी भी कुछ कुछ शहरों में है, समझ में, उसको क्या जूते है, तुम यही है, क्या जूते उसको घोड़ा घोड़ा, और फिर घोड़े की आंखों पर क्या लगाते, पट्टी झड़पी, क्यों, ताकि वो क्या करे, सीधा चले, इधर उधर न देखे। अगर उसने अपनी जात के, अपनी नस्ल के, अपनी बिरादरी के किसी और को देख लिया, हाँ, अरे बोलो तो सही, समझ में आई कि नहीं आई, न तो फिर तांगे की खैर और न सवार की खैर। ऐसी दावत के काम में सीधा चलना है, कैसे चलना है, बिल्कुल सीधा सीधा चलना है, सीधा रास्ता है, घबराओ मत, एक एक रास्ते को अपनाए आदमी, सीधा चले, इधर उधर न देखे। हाँ, कहने वाले ने कहा ना, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, क्या कहने वाले, हाँ, दुरंगी छोड़ दे, दो रंग नहीं, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो नको नको, ऐसा नहीं होना, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, पिघल कर मौन हो जा, या सरासर संग हो जा। संग समझते ना, किसको कहते, पत्थर को कहते संग, सखत होता है सखत, पिघल कर मौन हो जा, सरासर संग हो जा। अल्लाह हमें इस्तेकामत अता फरमाए, इसको कहते हैं अल्लाह के रास्ते में इस्तेकामत के साथ चलना, समझ नहीं ना, अरबी में इसको कहते हैं इस्तेखलास, क्या कहते हैं, इस्तेखलास। ये जुमला भी जरा हार है, बहुत से तो अदा भी नहीं होगा। हाँ, शुरू शुरू में जब हमने सुना तो हमको भी बोलते नहीं आता था, पहले हमने भी मश्क की उसकी, इस्तेखलास, क्या कहते, इस्तेखलास। एक तो है इखलास, एक क्या है, इखलास अल्लाह के लिए करना, इखलास, और इस्तेखलास वही घोड़े की मिसाल, उसको कहते इस्तेखलास। ऐसा चलना चलेगा इंशाअल्लाह मेरे अजीज और दोस्तों, जैसा कि इस काम में सब है, अल्लाह का जिक्र भी है, तस्किया भी है, समझ में ना, दावत भी है, इल्म भी है, अखलाक भी है, सब है। अल्लाह का जिक्र जो है बहुत बड़ी चीज है, 24 घंटे आदमी अल्लाह का जिक्र करता है। अगर इसने अपने आप को जिक्र का आदि बना लिया तो अल्लाह हर गुनाह से बचा लेंगे, अल्लाह हर गुनाह से बचाएंगे, ये गीबत से बचेगा, ये चुगली से बचेगा, ये झूठ से बचेगा, ये बोहतान से बचेगा, ये इल्जाम से बचेगा, ये गाली गलौज से बचेगा, ये तेरी मेरी से बचेगा, ये गाने बजाने से बचेगा। अल्लाह के जिक्र में बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे। सिर्फ सुबह शाम की तस्बीहात नहीं, सुबह शाम की तस्बीहात को तीसरा कलमा 100 मरतबा, दरूद शरीफ 100 मरतबा और इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा, ये 3 तस्बीहात तो इसलिए है कि आदमी को आदत हो जाए, क्या हो जाए, हाँ, असल तो ये है कि 24 घंटे आदमी अल्लाह का जिक्र करता, बहुत आसान है, बहुत आसान, हाँ, पैदल की साइकिल चला रहा, मोटरसाइकिल चला रहा, 3 व्हीलर चला रहा, 4 व्हीलर चला रहा, 6 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का, कितने चक्के सब चला लो, जबान क्या है, खाली है, रिकामी है, इसको कहां लगाओ,
फिक्र में लगा, क्या बड़ी बात फरमाई अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह अकबर फज़कुरूनी, अल्लाह कहता तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा मतलब याद करूंगा, मैं तुम्हें क्या करूंगा याद। हाँ लंबी हदीस है, फरमाया जो दुनिया में मजमे में मेरा जिक्र करता है मैं आसमानों में इससे अच्छे मजमे में यानी फरिश्तों के मजमे में उसका तज़किरा करता हूं। इतनी बड़ी बात, और हमसे ज्यादा सुनो ध्यान से जरा, हमसे ज्यादा हमारे घर की वस्तु आपको अल्लाह का जिक्र करने का मौका मिलता है, लेकिन हम बताते नहीं उनको। अरे हमने तो अभी सर तबलीग से टच नहीं किया उनको, अपने दिन में झटके दे दो उनको बताए के तबलीग, जबकि ये काम घर में बताया मैं भाई हमारे, जबकि ये काम सबका है, मर्दों का भी है मुस्तुरा हमारे घर की मुस्तुरात को अल्लाह का नाम लेने का बहुत मौका मिलता है। हम उनको बताएं रोटी डालते डालते आटा गूंथते गूंथते सालन बनाते बनाते झाड़ू लगाते लगाते कपड़े काटते काटते कपड़े सिलते सिलते गेहूं चावल दाल दाना चुनते चुनते अल्लाह का जिक्र कर सकते नहीं कर सकते। अरे बोलो तो सही, लेकिन हमें से अक्सर लोगों ने अभी तक उनको ये बात नहीं बताया। अब बताइए इंशाल्लाह कौन कौन बताएगा जरूर, अरे हाथ तो करो कितनी भी उठाने करो, तुम बोलो तो दोनों उठा लेते, बताओ घर को जाकर बताओ, फिर उनको अल्लाह का नाम लेने का बड़ा मौका मिलता है। बताइए इंशाल्लाह जो है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के यही बैठे बैठे अगर ज्यादा ज्यादा जोर से इस्तंजा वगैरह नहीं लग रहा होगा तो यही बैठे बैठे तस्बीह निकाल कर हम तीन तस्बीहात पूरी कर लें, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर अपने जरूरतों से फारिग होकर के आकर यहाँ तशरीफ रख के मगरिब के बाद इंशाल्लाह बड़ी तफसील से बात होगी, अपनी जरूरियात से मगरिब से पहले फारिग हो जाना, अभी बैठे बैठे तस्बीह निकाले निकाले नहीं अभी डाले नहीं तुमने हाथ जेब में डाले तो सही, यही बैठे बैठे तीन तस्बीहात, ठीक है इंशाल्लाह اللهم انبئ توفيقك فرما سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك